शांति शांति ही। ईश्वराम्बासुत श्रीमन् पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ सत्यसाईशा कर्तव्यं दैवमान्हिकम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ परतीश उत्तिष्ठ जगतीपते उत्तिष्ठ करुणापूर्ण लोकमंगल सिद्धये चित्रावती तट विशाल सुशांत सौधे तिष्ठन्ति सेवक जनास्तव दर्शनार्थम् आदित्यकान्तिरनुभाति समस्तलोकान् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् त्वन्नाम कीर्तन रतास्तव दिव्यनामा गायन्ति भक्तिरसपान प्रहृष्टचित्ताः दातुं कृपासहितदर्शनमाशुतेभ्यः श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् आदाय दिव्यकुसुमानि मनोहराणि श्रीपादपूजनविधिं भवदङ्घ्रिमूले कर्तुं महोत्सुकतया प्रविशन्ति भक्ताः श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् देशान्तरागतबुधास्तव दिव्यमूर्तिम् सन्दर्शनाभिरतिसंयुतचित्तवृत्त्या वेदोक्तमन्त्रपठनेन लसन्त्यजस्रम् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् श्रुत्वा तवाद्भुतचरित्रमखण्डकीर्तिम् व्याप्तां दिगंतर विशाल
धरातलेऽस्मिन् जिज्ञासुलोक उपतिष्ठति चाश्रमेऽस्मिन् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सीता सती समविशुद्ध हृदम्बुजाताः बह्वंगनाः करगृहीत सुपुष्पहाराः स्तुन्वन्ति दिव्यनुतिभिः फणिभूषणं त्वाम्। श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सुप्रभातमिदं पुण्यम् ये पठन्ति दिने दिने ते विशन्ति परन्धाम ज्ञानविज्ञानशोभिताः। मङ्गलं गुरुदेवाय मङ्गलं ज्ञानदायिने मङ्गलं प्रतिवासाय मङ्गलं सत्यसाईने। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम श्री साई राम। आइए हम भगवान श्री सत्य साई बाबा द्वारा बताए गए ज्योति ध्यान को सीखें और करें। अपने सामने एक ज्योति जलाएं, चटाई के ऊपर आरामदायक आसन में बैठें। अब रीढ़ की हड्डी को सीधा करें, गहरी श्वास अंदर लें और बाहर छोड़ें। श्वास अंदर लेते समय सो और छोड़ते समय हम का विचार करें। सो हम अर्थात मैं वही हूं, अर्थात मैं ईश्वर हूं। सो हम, सो हम, सो हम। ऐसा करते चलें। अब आंखें बंद करें और तीन बार ओमकार का उच्चारण करें। ओ Oh।
आंखें खोलें और ज्योति को देखें। आंख बंद करें और ज्योति को दोनों भावों के बीच में देखें और विचार करें, हे भगवान, आप ज्योति स्वरूप हैं। मैं आपके इस ज्योति स्वरूप को अपनी दोनों भावों के बीच में स्थापित करती हूं। आपसे प्रार्थना है, यह ज्योति मेरे तन, मन और बुद्धि को शुद्ध और पवित्र करे, मुझे एक अच्छा प्राणी बनाए। ज्योति धीरे धीरे गले के अंदर से नीचे की ओर उतरते हुए हृदय चक्र में आ गई। यहां हल्के गुलाबी रंग का एक सुप्त कमल है। ज्योति उस बंद कमल के अग्रभाग से भीतर की ओर प्रविष्ट हो रही है। ज्योति से उस बंद कमल की पंखुड़ियां एक एक करके खुल रही हैं। अब पूरा कमल खिल उठा। ज्योति कमल के बीचों बीच पीले पराग कोश में चमचमा रही है। यहीं पर ईश्वर प्रेम रूप में निवास करते हैं। वह ईश्वर का कोई भी पसंदीदा मुदित स्वरूप हो सकता है जिसकी हम पूजा करते हैं। मेरे लिए तो वो सत्य साई है। ज्योति अब शरीर के सभी अंदरूनी अंगों में फैलती हुई शीर्ष भाग की ओर जा रही है। ज्योति दाई आंख और अब बाई आंख को प्रकाशित और पवित्र कर रही है। आंखें अब सभी में अच्छा ही देखेंगी। ज्योति धीरे धीरे दाएं कान और अब बाएं कान को भी प्रकाशित कर रही है। श्रवणम शक्ति प्रबल हो रही है। कान अब मधुर कोमल ध्वनियों को ही सुनेंगे, ईश्वर की महिमा के गीतों को सुनेंगे। ज्योति अब नासिका को प्रकाशित और पवित्र कर रही है। अब हम आसानी से श्वास ले सकते हैं। श्वास लेते वक्त अच्छे विचारों को अंदर ग्रहण करें और छोड़ते वक्त बुरे विचारों को बाहर कर दें। ज्योति मुख और जिह्वा को पवित्र कर रही है। हम मधुरता और कोमलता से बोलेंगे, केवल सत्य बोलेंगे। वाणी पवित्र हो रही है। अब हम मौन में रहना पसंद करेंगे, क्योंकि बस मौनता में ही ईश्वर की आवाज सुनाई देती है। अब यह जिह्वा केवल शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करेगी। ज्योति अब मस्तक की ओर जाकर पूरे सिर को अंदर से प्रकाशित कर रही है। अब
मस्तिष्क के अंदर व्याप्त अंधकार और अज्ञानता का नाश हो रहा है। मन पवित्र और शांत हो गया है। पूरा शीर्ष भाग प्रकाशित हो गया। ज्योति और फैल रही है। वह सभी अंगों को पवित्र कर रही है। ज्योति से शरीर स्वस्थ और पवित्र हो रहा है। ज्योति अब दाएं कंधे और पूरे हाथ को ज्योतिर्मय कर रही है। अब वह बाएं कंधे और हाथ को प्रकाशित कर रही है। हाथ अब केवल अच्छे कार्य ही करेंगे, जरूरतमंदों की सेवा करेंगे। ज्योति अब फैलते हुए नीचे की ओर जा रही है। ज्योति दोनों पैरों में फैल रही है। अब ये दोनों पैर दिव्य ज्योति से चमक उठे हैं। वे पवित्र जगहों की ओर ही ले जाएंगे। अब ज्योति रीढ़ की हड्डी के निचले भाग पर है। ऊपर की ओर बढ़ते हुए यह पूरे पीठ के भाग को पवित्र कर रही है। पीठ दिव्य ज्योति से प्रकाशित हो गई। ज्योति अब गर्दन से होते हुए सिर में प्रवेश कर रही है। वह सिर के शीर्ष में फैल रही है। यहां मुकुट चक्र है, जिसमें कमल की 1000 पंखुड़ियां हैं। ज्योति के स्पर्श से यह सहस्त्रदल कमल खिल गया है और जगमगाने लगा है। मानो शरीर ने यह सहस्त्रदल मुकुट धारण कर लिया हो। ज्योति विशाल और प्रकाशवान हो रही है। वह शरीर के बाहर निकलकर पूरे परिसर में फैल रही है। ज्योति प्रेम युक्त होकर सभी परिवारजन, सगे संबंधी, पूर्वज, पालतू पशु पक्षी, मित्र और जिन्हें हम अपना शत्रु मानते हैं, उनमें भी फैल रही है। अब कहीं कोई शत्रुता नहीं है, केवल प्रेम है। निरंतर विशाल होती हुई ज्योति अब पूरे शहर, पूरे देश और पृथ्वी मां को ज्योतिर्मय कर रही है। हे पृथ्वी मां, हम आपके आभारी हैं। न जाने कितने जन्मों से आपने हमारा पोषण किया है। यह पवित्र ज्योति विशाल अंतरिक्ष में फैलती जा रही है। सभी जगह प्रकाश है। सभी जगह शांति है। सभी जगह प्रेम है। Thank you.
ज्योति अब धीरे धीरे पृथ्वी पर वापस आ रही है। अब देश में आ गई, अब शहर में और इस परिसर में आ गई। ज्योति अब ठीक सिर के ऊपर आ गई है। अब ज्योति धीरे धीरे सिर के अंदर से होती हुई हृदय चक्र में आ गई। पवित्र ज्योति हमारे हृदय में स्थापित हो गई है। इस ज्योति में हमारे श्रद्धेय इष्ट देव के दर्शन हो रहे हैं। मैं प्रकाश हूं, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें और दिव्य ज्योति को प्रणाम करें। असतो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मा अमृतम् गमया। ॐ शांति शांति शांति। जय साई राम। सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत् सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत् सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत् सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत् सवितुर्वरेण्यम्
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत् सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री साईराम। भगवान श्री सत्य साई बाबा के चरणों में मेरे कोटिशय प्रणाम। आप सभी को सादर सायराम। जब भगवान बाबा हमें किसी वार्ता का अवसर देते हैं तो उस वार्ता के माध्यम से भगवान कुछ न कुछ संदेश हमें प्रदान करते हैं। आज की इस वार्ता का प्रथम श्रोता मैं स्वयं बनूं और जो संदेश भगवान देना चाह रहे हैं उससे मुझ में परिवर्तन आए, इस प्रार्थना के साथ आज के विषय एबीसी ऑफ लाइफ पर चर्चा प्रारंभ करता हूं। एक संस्मरण है जिसमें भगवान के एक विद्यार्थी स्वामी के पास जाता है और वो अपने पिता को अग्निहोत्री के नाम से पुकारता है। यहां अग्निहोत्री से तात्पर्य यह कि वो बाबा से कहता है कि स्वामी, मेरे पिता एक दिन में लगभग 100 सिगरेट पीते हैं और वो किसी भी तरह से इस आदत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। स्वामी, चूंकि उसके पिता भी भगवान के भक्त होते हैं इसलिए स्वामी उसको बुलाते हैं और उसको बुलाते हुए स्वामी उससे कहते हैं, स्टॉप दिस बैड हैबिट, अपनी इस बुरी आदत को छोड़ दो वरना मैं तुमसे बात करना बंद कर दूंगा। निश्चित रूप से स्वामी यदि किसी भक्त से कहें कि मैं तुमसे बात करना बंद कर दूंगा तो भक्त के जीवन में एक बहुत बड़ी चिंता का विषय होता है। स्वामी यही नहीं रुकते, स्वामी कहते हैं अगर तुम अपनी इस बुरी आदत को नहीं छोड़ते तो मैं तुम्हारी तरफ देखना बंद कर दूंगा। और उसके बाद स्वामी कहते हैं, ये बात हमारे लिए, हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कि स्वामी कहते हैं कि यदि तुम अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ते, स्वामी ने कहा, आई विल मेक श्योर दैट यू विल नॉट बी एबल टू थिंक अबाउट मी, तुम मेरे बारे में विचार भी नहीं कर पाओगे। बहनों और भाइयों, हम इस बात की कल्पना करें कि हम अगर बैठकर यहां पर भगवान की चर्चा कर पाते हैं, अगर हम किसी न किसी तरह से भगवान का स्मरण करते हैं, सत्य साई सेवा संगठन की गतिविधियों में संलग्न होते हैं, तो ये केवल और केवल हमारे ऊपर भगवान का अनुग्रह है, अन्यथा
यह हमारे लिए संभव नहीं कि हम स्वामी के नाम के साथ जुड़कर किसी कार्य को कर सके। इसलिए हमें बहुत सावधान रहना पड़ेगा और यही आज की इस चर्चा का विषय है जो भगवान ने हमसे कहा, ऑलवेज बी केयरफुल, एबीसी ऑफ लाइफ। एबीसी, ये जो तीन लेटर्स हैं, ये तीन लेटर अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम तीन अक्षर हैं। जब भी कोई बच्चा बोलना प्रारंभ करता है, बोलना सीखता है, तो एबीसी ही उसको सिखाया जाता है। हम ये कह सकते हैं कि यह जो पाठ है, यह आध्यात्मिक पाठशाला का भी पहला पाठ है, एबीसी ऑफ लाइफ। लेकिन इस पाठ को सावधानी से सीखकर, जल्दी से पढ़कर यदि हम अपने जीवन में उतारते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, तब जाके हम भगवान की इस आध्यात्मिक पाठशाला में प्रमोशन पा सकते हैं, अगली कक्षाओं में जा सकते हैं। इसलिए हमें ऑलवेज बी केयरफुल, सतर्क रहना पड़ेगा। एक बार स्वामी के पास स्टूडेंट्स बैठे हुए थे और भजन का समय हो गया। स्वामी ने कहा भजन के लिए जाओ। फिर स्वामी ने स्टूडेंट से पूछा, यू लव भजन? जाहिर है सभी स्टूडेंट्स ने बहुत जोर से कहा, यस स्वामी वी लव भजन। ओ स्वामी कहते हैं, सो मच डिवोशन, सो मच डिवोशन। बट स्वामी रुक के कहते हैं, आई डोंट नीड योर डिवोशन, आई नीड योर ट्रांसफॉर्मेशन। भगवान को हमारी भक्ति की आवश्यकता नहीं, भगवान को हम अपने अंदर परिवर्तन लेकर आए, हमारे आचरण में परिवर्तन हो। दिन प्रतिदिन इस संगठन की गतिविधियों के साथ चलते हुए, भगवान के साथ चलते हुए, हम स्वयं और हमारे परिवेश में रहने वाले लोग इस बात का अनुभव करें कि हमारे अंदर परिवर्तन आ रहा है, तब हम ये कह सकते हैं कि भगवान का अनुग्रह हमारे ऊपर है और भगवान की कृपा से हम स्वयं को परिवर्तित कर रहे हैं। कैसे परिवर्तित करें? एक और बात स्वामी ने अपने स्टूडेंट से पूछा, इस संस्मरण को हमने थोड़े दिन पहले भी सुना था, जिसमें स्वामी ने अपने स्टूडेंट से पूछा, डू यू लव मी और डू यू लाइक मी? सारे स्टूडेंट ने जवाब दिया, स्वामी वी लव यू, स्वामी वी लव यू। स्वामी कहते, नो यू डोंट लव मी, यू लाइक मी। सारे स्टूडेंट्स के चेहरे पे प्रश्न चिन्ह था कि आखिर भगवान लव और लाइक में क्या फर्क हमको समझाना चाहते हैं, दोनों में क्या अंतर है। देखिए स्वामी कितने छोटे छोटे उदाहरणों से, किस तरह की बातों से हमको समझाना चाहते हैं, हमें समझाने की कोशिश करते हैं। भगवान ने उन स्टूडेंट से कहा कि तुम अपने घर में कुत्ता पालते हो, उस पालतू कुत्ते को तुम नहलाते हो, उस पालतू कुत्ते को तुम खाना खिलाते हो, उस कुत्ते के साथ तुम खेलना पसंद करते हो, लेकिन बस इतना करने के बाद तुम हमेशा उस कुत्ते के पीछे नहीं जाते, तुम उस कुत्ते को फॉलो नहीं करते। इसी तरह तुम्हारा मेरे प्रति प्यार है, तुम मेरे साथ रहना तो चाहते हो, तुम मेरे साथ खेलना तो चाहते हो, तुम मेरे साथ खाना खाना तो चाहते हो, लेकिन तुम मुझे फॉलो नहीं करते। भगवान को प्यार करना, इसका मतलब भगवान के संदेशों को फॉलो करना। और ऑलवेज बी केयरफुल किस बात के लिए? हमें हर पल अपनी पूरी दिनचर्या में, प्रत्येक दिन और इस तरह अपने जीवन में, हमें बार बार इस बात का चिंतन करते रहना चाहिए कि हम भगवान के संदेशों को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। ऑलवेज बी केयरफुल, स्वामी ने इतनी छोटी छोटी चीजों से हमारे अंदर परिवर्तन लाने के लिए हमें संदेश दिए। स्वामी ने कहा, माई लाइफ इज माई मैसेज। भगवान ने कोई भी संदेश हमको दिया, भगवान ने कोई भी बात हमसे कही, तो उस बात को सिर्फ स्वामी ने हमसे कहा नहीं, बल्कि उस बात को स्वामी ने हमें करके दिखाया। आइए एक संस्मरण जो स्वामी के स्टूडेंट्स के माध्यम से हमको मिलता है, उसमें एक दिन था जबकि स्वामी दर्शन हॉल में आते हैं और दर्शन हॉल में आते हुए भगवान अपने
वस्त्र को जो भगवान पहनते हैं उस वस्त्र को वो बार बार संभालने की कोशिश करते हैं, जिसे हम रोग कहते हैं। भगवान उसको बार बार संभाल रहे हैं, उसको हाथ से पकड़ रहे हैं। ये वो समय था जबकि गुजरात में भूकंप आया हुआ था और उस भूकंप प्रभावित लोगों के लिए भगवान ने प्रशांति निलयम से बहुत सारी सामग्री, बहुत सारा सामान प्रशांति निलयम से भेजा था, सेवा दल को भेजा था और उन्हें निर्देश दिए थे कि किस तरह तुम्हें जाके सहायता करनी है, किस तरह तुम्हें लोगों की मदद करनी है। उस दिन जब स्वामी भजन हॉल में आए, उस कक्ष में आए, तो भगवान ने जब अपने वस्त्र को संभालने की कोशिश की तो प्रोफेसर अनिल कुमार जी और स्वामी के जो स्टूडेंट जो स्वामी के नजदीक मौजूद थे, तो उन्होंने देखा कि भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं। और जब स्वामी अपने सिंहासन पर विराजमान हुए, स्वामी अपनी चेयर पर जब बैठे, तो बैठने के बाद वो स्टूडेंट क्या देखते हैं कि स्वामी जो धोती पहने हुए हैं, भगवान अपनी रोग के नीचे जो धोती पहने हुए हैं, वो धोती फटी हुई है। स्टूडेंट्स को बहुत आश्चर्य हुआ और भगवान स्टूडेंट्स के चेहरे का भाव पढ़ के समझ गए कि आखिर इनके मन में क्या प्रश्न उठा है कि स्वामी की यह धोती फटी हुई क्यों है। भगवान ने उनको बताया कि गुजरात में जो भूकंप आया है और उस भूकंप के कारण हजारों लोग अपने घर से बेघर हो गए हैं, वो शेल्टर होम में रह रहे हैं, उनके पास रहने को घर नहीं है, उनके पास पहनने को कपड़े नहीं है, उनके पास भोजन नहीं है। तो जब यहां से सामान जा रहा था तो मैंने अपनी सारी नई धोतियां गुजरात में जो लोग हैं जो भूकंप से प्रभावित हैं वो कपड़े पहन सके इसलिए भेज दी। स्वामी ने कहा कि मेरी एक धोती से कम दो स्कर्ट्स बन सकते हैं और इसलिए वो सारी धोतियां मैंने नई धोतियां भेज दी। जब वो लोग वहां पर भूकंप से तकलीफ में हैं तो मैं कैसे नए वस्त्र पहन सकता हूं। कितना बड़ा संदेश छुपा हुआ है। भगवान इस संपूर्ण ब्रह्मांड के जो रचयिता हैं, इस ब्रह्मांड में कहीं भी मानवता को कोई भी कष्ट होता है तो वो कष्ट स्वामी के पास पहुंचता है। आज के समय में जबकि ये पूरा संसार, पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है, भगवान हमारे संरक्षक हैं, वो इस कष्ट को देख रहे हैं, वो हमारा संरक्षण कर रहे हैं। हमारे अंदर लगातार इस बात का दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि भगवान के संरक्षण में हम सुरक्षित हैं और निश्चित रूप से पूरा संसार इस कष्ट से मुक्त होगा। ऑलवेज बी केयरफुल, छोटी छोटी बातों के प्रति, छोटी छोटी घटनाओं के प्रति हमको सावधान रहना है। अपने दैनिक जीवन में हम जो कुछ करते हैं, अगर हम भगवान के साहित्य को उठाकर देखते हैं, भगवान का साहित्य पढ़ते हैं, भगवान के संस्मरण को उनके स्टूडेंट्स के माध्यम से सुनते हैं, तो हम ये पाते हैं कि भगवान ने हमारे जीवन की हर एक छोटी चीज के लिए, बल्कि जिस बारे में हम कभी सोचते नहीं उसके बारे में भी भगवान ने हमको निर्देश दिए हैं। स्वामी के एक विद्यार्थी ने एक बार स्वामी को एक पत्र लिख के दिया। स्वामी ने वो कागज हाथ से लिया और उस कागज को हाथ से लेने के बाद उस कागज में जितने हिस्से में लिखा हुआ था, चार लाइन या छह लाइन जो भी उस पत्र में लिखी हुई थी, उतने हिस्से को स्वामी ने फाड़ा। फाड़ने के बाद वो जो पत्र था उसको अपने पास रखा और बाकी जो हिस्सा था, जो कोरा कागज था, वो अपने स्टूडेंट को वापस दे दिया। कभी हम सोचते कि इतनी छोटी सी चीज को बर्बाद करने के लिए हमारे दिमाग में कोई विचार आता है, कोई कागज को कितना इस्तेमाल करते हैं और कितना फेंकते हैं। स्वामी ने हमको याद दिलाया कि किसी भी चीज को वेस्ट नहीं करना। एक और विद्यार्थी जिसको स्वामी के कक्ष में सेवा करने का अवसर मिला, वो जब उसको अचानक ये अवसर प्राप्त हुआ था और उसे ये अनुमान नहीं, उसे पता नहीं था कि किस तरह क्या कार्य करने हैं, तो जब स्वामी दर्शन के लिए आते हैं तो उस विद्यार्थी ने अपने मन से कुछ नोटबुक्स स्वामी के टेबल पे रखे कि स्वामी लिखते हैं। दूसरे दिन उसने देखा सेवा कार्य करते समय कि उस नोटबुक में स्वामी ने कुछ लिखा है, तो वो बहुत खुश हुआ कि उसने जो कार्य किया है वो बहुत अच्छा कार्य किया, और कुछ और नोटबुक्स उसने वहां पर रखी। लेकिन वो देखता है कि स्वामी जब लिखते हैं तो लिखने में उस नोटबुक के फर्स्ट कॉर्नर से लेके अंतिम
पन्ने के अंतिम कोने तक एक एक छोटी से छोटी जगह भी भरी हुई होती है, उसमें कोई जगह खाली नहीं होती। अभी हम सोच के देखें कि जब हम अपनी कॉपीज में लिखते हैं, हमारे बच्चे कॉपीज में लिखते हैं, तो वो किस तरह लिखते हैं, कितना पेज वेस्ट करते हैं। भगवान ने हमको सिखाया, भगवान ने हमको बताया कि हम जो भी कुछ अपने जीवन में जिन चीजों का उपयोग करते हैं, उन चीजों का कितनी सावधानी से हमको उपयोग करना चाहिए। एक और उदाहरण देखिए कितना प्रेरणादायी है और कैसे स्वामी हमसे अपने दैनिक जीवन में हमें अपने जीवन को बिताने की अपेक्षा करते हैं और संदेश देते हैं। एक बार स्वामी के फ्रेंड ने आपस में चर्चा के दौरान एक बार बताया कि एक सेल्फ रिलायंस डिपार्टमेंट होता है, और उस सेल्फ रिलायंस डिपार्टमेंट का काम होता है कि जो भवन है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की जो भी भवन है, जो कक्ष है, उसमें अगर किसी तरह की कोई समस्या है तो समस्या का समाधान वो सेल्फ रिलायंस डिपार्टमेंट की जो स्टूडेंट्स हैं, जो सदस्य हैं, वो अपने शिक्षक के साथ मिलकर करते हैं। अब इस सेल्फ रिलायंस डिपार्टमेंट के सदस्यों का सबसे बड़ा सौभाग्य ये होता है कि उन्हें स्वामी के कक्ष में प्रवेश की भी अनुमति होती है। वृंदावन का ये संस्मरण है, ये वो अवसर था जबकि भगवान के कक्ष की एक ट्यूबलाइट को बदला जाना था। शिक्षक के साथ विद्यार्थी भगवान के कक्ष में उस ट्यूबलाइट को बदलने के लिए प्रवेश करते हैं। कितना बड़ा सौभाग्य कि स्वामी उस समय वहां पर उपस्थित थे और उस समय वो शिक्षक के साथ वो विद्यार्थी काम कर रहे हैं, वो जाते हैं उस ट्यूबलाइट को चेंज कर देते हैं। शिक्षक हाथ जोड़ के स्वामी से प्रार्थना करते हैं, पंखे की ओर देख के स्वामी वो फैन, स्वामी कहते हैं क्यों, ट्यूबलाइट बदलने आए थे, ट्यूबलाइट चेंज हुआ, काम हो गया, फिनिश। शिक्षक ने निवेदन किया कि स्वामी वो फैन में आवाज आ रही है, हम उस फैन को बदल दें। स्वामी ने कहा नहीं, नो, कोई आवश्यकता नहीं, वो चलता है इतना मेरे लिए पर्याप्त है, वो फैन चल रहा है, वो हवा दे रहा है, वो पर्याप्त है, और उसकी साउंड मेरे लिए ओम की ध्वनि है, उससे जो आवाज आती है वो मेरे लिए ओम की ध्वनि है, इसको बदलने की आवश्यकता नहीं। लीस्ट नेसेसिटीज, न्यूनतम आवश्यकताओं के साथ अपना जीवन यापन करना, क्या ये बहुत बड़ा संदेश हमारे लिए नहीं है? हम अपने चारों ओर देखें, अपने घर में देखें कि हमने कितनी चीजों को अपने चारों ओर इकट्ठा कर रखा है और कितनी चीजों को हम और इकट्ठा करना चाहते हैं। हमारे जीवन की यात्रा क्या एबीसी पर रुक नहीं गई है? ऑलवेज बी केयरफुल। भगवान ने यदि हमसे कहा है लेस लगेज मोर कंफर्ट, तो भगवान ने न सिर्फ हमसे कहा है बल्कि स्वामी ने उसको अपने जीवन में जिया है। ब्रदर अमेय देश पांडे जी रेडियो साई के माध्यम से जब हम वार्ताएं सुनते हैं, तो उसमें एक वार्ता में अमेय देश पांडे जी ने बताया कि स्वामी का जो कक्ष है उस कक्ष को देखकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। जो सदस्य, जो भक्तगण बाहर बैठते हैं और बाहर बैठकर साई कुलवंत हॉल में या पूर्णचंद्र हॉल में उस हॉल की भव्यता को देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि भगवान का कक्ष भी बहुत भव्य होगा। भगवान के कक्ष में भी बहुत सारा ऐसा साजो सामान होगा जो बहुत भव्य हो। स्वामी के कक्ष में न्यूनतम चीजें थी। अमेय देशपांडे जी बताते हैं कि स्वामी का जो पलंग था, स्वामी कभी सोते ही नहीं थे, स्वामी तो हमेशा जागते थे, लेकिन जो पलंग स्वामी के विश्राम कक्ष में रखा हुआ था वो इतना छोटा सा था कि उस पर कोई व्यक्ति करवट भी मुश्किल से ले सके। जब नया भवन बनाया गया था वृंदावन में, बहुत समय तक तो स्वामी ने अनुमति ही नहीं दी थी, और जब अनुमति मिली और नवाबनगर की जो महारानी थी उन्होंने स्वामी के कक्ष के बारे में, कक्ष में रखे जाने वाले सामान के बारे में अनुमति मांगी थी और कहा था कि स्वामी ये एक बड़ा बेड, किंग साइज बेड रखेंगे, तो स्वामी ने कहा था मैं कितना बड़ा हूं, इतने बड़े बेड की जरूरत क्यों है, छोटा ही बेड चाहिए। इसी तरह जब महारानी ने टॉयलेट फिटिंग्स के बारे में बात की कि इसमें टॉयलेट फिटिंग्स में महंगे वाले शॉवर लगाने चाहिए, तो स्वामी ने क्या कहा था कि वो जो महंगा शॉवर, इसमें पानी कोई दूसरा आएगा क्या? तो इस तरह भगवान ने अपने जीवन में जो भी चीजें थी, जो भी कार्य भगवान ने किए अपने दैनिक जीवन में, स्वामी
जो भी करते थे स्वामी, पूरे ब्रह्मांड में रहने वाले हर व्यक्ति की चिंता करते हैं, हर चाहे वो अपने आप को भगवान बाबा का डिवोटी माने या ना माने, लेकिन स्वामी प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक नाम और रूप का स्मरण करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उसका प्रत्युत्तर देते हैं। लेकिन जैसा स्वामी ने आज इस चर्चा में सबसे पहले इस चर्चा के माध्यम से संस्मरण सुना कि अगर हम भगवान के बारे में बात कर पाते हैं तो ये स्वामी की इच्छा और उनका अनुग्रह हमारे ऊपर है, तो केवल बात करना पर्याप्त नहीं, हम अगर भगवान से प्रेम करते हैं तो हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए। इस अंतिम बात के बाद साथ मैं आज के इस भगवान ने जो अवसर दिया है इस अवसर में इस चर्चा को समाप्त करूंगा। एक वीडियो में कुडाई कनाल में स्वामी कह रहे हैं, एक भक्त एक पदाधिकारी स्वामी के सामने से निकल रहे हैं, उसके साथ स्वामी ने, हाँ स्वामी ने स्टूडेंट को कह रहे हैं, स्टूडेंट्स को स्वामी ने कहा, आई कंटिन्यूसली गिविंग यू लव लव लव। और फिर स्वामी कहते हैं यू कंटिन्यूसली गिविंग मी हर्ट हर्ट हर्ट। तीन बार स्वामी ने बोला लव लव लव, मैं तुम्हें प्यार 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 देता हूं और तुम मुझे हमेशा हर्ट 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 करते हो। स्वामी की मुद्रा उस वीडियो में देखिएगा, स्वामी के चेहरे की मुद्रा देखिएगा कि स्वामी ने कैसे हाव हाव बनाए हैं। और उसके बाद स्वामी ने हिंदी में बोला है, स्वामी ने ये कहा है कि मैं इस दुनिया को ऐसा पलट सकता हूं जैसे चपाती पलटती है, जैसे तुम रोटी को पलटते हो, मैं संसार को ऐसा बदल सकता हूं। भगवान ने कहा हिंदी में, स्वामी ने कहा है, नीचे इंग्लिश ट्रांसलेशन उसका है। और फिर स्वामी ऐसा चेहरा बना के कहते हैं कि लेकिन ये मेरे सिस्टम में नहीं है। भगवान अपनी शक्तियों से, भगवान अपने संकल्प से नहीं बल्कि प्रेम से प्यार से हमारे हृदय में प्रवेश करके हमें बदलना चाहते हैं, और वो बदलाव आएगा हमारे स्वयं के आचरण में भगवान के संदेशों को उतार कर। तो मेरे भाइयों और बहनों, ऑलवेज बी केयरफुल, हम हमेशा भगवान के जो एक एक संदेश हैं, जो छोटी छोटी बातें हैं, उन बातों को ध्यान से श्रवण करें, सुने साईं साहित्य के माध्यम से, रेडियो साईं के माध्यम से, और उनको सुनकर उन पर चिंतन कर अपने जीवन में बदलाव लाएं। यही भगवान के प्रति भक्ति प्रदर्शित करने का, भक्ति प्रकट करने का सही तरीका होगा। जय श्री राम। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी सत्य साई हरे, भक्त जना संरक्षक, भक्त जना संरक्षक, पति महेश्वरा। ओम जय जगदीश हरे, शशि वदना श्रीतरा सर्वा प्राणपते, स्वामी सर्वा प्राणपते, आश्रित कल्पलतीता, आश्रित कल्पलतीता, आपतांधवा। ओम जय जगदीश हरे, माता पिता गुरु दैवम मरि अंतयुनि वे, स्वामी मरि अंतयुनि वे, नाद ब्रह्म जगन्नाथा, नाद ब्रह्म जगन्नाथा, नागेन्द्राशयना। ओम जय जगदीश हरे, ओंकार रूप ओजस्वी हो साई महादेवा, सत्य साई महादेवा, मंगल आरती अंधुक, मंगल आरती अंधुक, मंगल गिरिधारी। ओम जय जगदीश हरे, नारायण नारायण ओम, सत्य नारायण 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 ओम, नारायण नारायण ओम, सत्य नारायण नारायण ओम, सत्य नारायण नारायण ओम। ओम जय सद्गुरुदेवा, नारायण नारायण ओम, सत्य नारायण 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 ओम, नारायण नारायण ओम, सत्य नारायण।
Ooh.